बेसिकली इसका फंक्शन ही ये है कि इसने बर्ड की इम्यूनिटी, उसको स्ट्रेस से रिलीज करवाना है और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या पुठे पुठे सिग्नल दे रहे होते। ब्लू गोल्डियन का बच्चा है तो माशाल्लाह आप इसके ना जो तीन डॉट बने हैं ना मुंह के, इधर एक दरमियान वाला वाइट होगा, देखें मुंह कैसे हिला रहे हैं, ये देखें करके दिखाता हूँ कैसे मुंह खोल रहा है, चीज़ चेक करें माशाल्लाह ये चीज़। अब आप गिन लें तीन थे, तीनों ट्रायो सेट जो है ना इनको पाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों हाईलाइट से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वीडियो में क्या ट्विस्ट है, तो चले इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये कि चैनल पे नए हैं तो भाई जान आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले सर जी आपके भाई कह लें कि जेब काट के 30,000 रुपया, देखें ये एक स्पार्क लिक्विड पूरी लीटर की बोतल, फुल दिमाग पागल, इतनी शार्ट हो जाती, इतनी शार्ट, मैंने अब पूरी बोतल ही ले आया हूँ भाई जान। ये मैंने टोटली लव बर्ड और ख़ासकर गोल्डियंस को यूज़ करवाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि अगर ये शार्ट हो गई बाद में मिलेगी नहीं। बेसिकली इसका फंक्शन ही ये है कि इसने बर्ड की इम्यूनिटी, उसको स्ट्रेस से रिलीज़ करवाना है और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बहुत ही जो है ना कमाल के, विटाफार्म कंपनी के हैं। इसके अलावा और क्या क्या विटाफार्म के आपको मैं बताता चलूं कि शिपमेंट आ गई है। कॉक्सीबिट ये मैं लेके आया हूँ, एस कैट और ट्रिपल सी, ये और ये तो मेरे पास वैटी एम्प्रो पहले पड़ी थी। उसके अलावा कुछ विटाफार्म की पिछले साल की पड़ी हैं जैसे कि ये रोनीमिट एस और 12%, ये सारी जो है ना फिंचज़ के रिलेटेड मेडिसन हैं जो इनकी कैंकर की बीमारी, इंटरस्टाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो जो इनमें मसले आते हैं उनको ठीक करने के लिए होती हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होती। बाकी जब शॉर्ट हो जाए तो बर्ड आपका लाखों का हो या चाहे हज़ार का हो, मेडिसिन नहीं होगी तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं फुल पैक ले आया हूँ ताकि एक साल के लिए मेंटली तौर पर रिलैक्स रहूँ। तो वीडियो में अब दिखाता हूँ मैं आपको, आज बेसिकली मैंने बच्चे चेक करने थे, मैंने कहा कि गोल्डियंस के टोटल कितने बच्चे निकले हैं ये भी आपको दिखाऊं और कौन कौन से हैं ये भी। सबसे पहले इधर एक ही बच्चा पल रहा है सर जी, वही मैं उससे शुरू करता हूं और साथ साथ मैं पहले आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 डब्बों में सर जी अंडे हैं और कईयों में बच्चे निकल आए हैं। सबसे पहला डब्बा अब आप चेक करें, ये चेक करें, चल बाहर हो जो तो सा पखंड बनाया है। ये माशाल्लाह बिलू का बच्चा कन्फर्म हुआ है, ये बिलू गोल्डियन का बच्चा है तो माशाल्लाह आप इसके ना जो तीन डॉट बने हैं ना मुंह के, इधर एक दरमियान वाला वाइट होगा, वैसे भी इसके जो फीदर है ना उससे आइडिया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ये बिलू का बच्चा है। चार क्वालिटी माशाल्लाह। उसके बाद इधर मैंने लिखा है कि बेबी चार हो गए थे, एक एक करके निकला है, इधर के चेक करते हैं। ओ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये ना थोड़ा शुगल आपको दिखाऊं, जैसे ही हाथ लगाऊंगा ना तो ये बोलना स्टार्ट हो जाएंगे मुंह खोल के, ये फीड अब मांगने लग गए। ये देखें मुंह कैसे हिला रहे हैं, ये देखें सब, अब अभी इनको फीड हुई है ना इस वजह से थोड़ा थोड़ा मुंह खोल रहे हैं, अदरवाइज़ माशाल्लाह इधर कॉमन के निकले हैं, कॉमन के हैं चार बच्चे ये। इधर दो निकल आए थे तो दो अंडे अभी पड़े थे, मज़ीद देखते हैं। नहीं जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा एक मुझे ये रेड इस टाइप का लग रहा है, बाकी ये रेड इस नहीं है, ये लटीनो है। तो इधर माशाल्लाह तीन निकल आए हैं, ये देखें अब मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ कैसे मुंह खोल रहा है, चीज़ चेक करें माशाल्लाह ये चीज़। ये मैं कह रहा था फीड मांगने, अच्छा अल्लाह की तरफ से ना इनके मुंह में ये बबल्स ही हैं, लाइट सी जैसे बन रही होती है ना, ये चीज़ें इनके मुंह में ना नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद इधर बिलू के अंडे रखे हैं, इधर भी बिलू के फ्रेश हैं, ये भी फ्रेश हैं, इधर गालबन नहीं, ये मेरे ख्याल से इधर निकल आए होंगे 16 के अंडे हैं। तो
चल हाँ माशाल्लाह इसने निकाल दी है, इसकी हैचिंग आज ही हुई है। हाँ देखने नहीं दे रही, मई उठ पे नहीं जी। माशाल्लाह चेक करें, ये पहला बच्चा इसका निकला, बाकी अंडों की रंगत से ये एक पॉप कर रहा है, ये देख सकते हैं क्रैक हो गया। इधर भी माशाल्लाह एक बच्चा निकल आया जी, ज़बरदस्त हो गया। फीड इसने नहीं करवाई, चलें अभी निकला शायद हो जाएगी फीड। उसके बाद माशाल्लाह चार बच्चे इधर भी निकले हुए हैं, तो ये जुड़ाना देखने नहीं देता। ये देखें पूंछ से ना क्या पुठे पुठे सिग्नल दे रहे, ओ तेरी हुए तुम जो मर्जी कर लो, मैं बच्चे तो बहाने लेना। ये देख करें माशाल्लाह पांच बच्चे व्यूवर्स, अब आप गिन लें तीन थे, तीनों ट्रायो सेट जो है ना इनको पाल रहा है। अब आप चेक करें व्यूज़, अच्छा वो जो है ना ये अग्रेसिव है ज़्यादा, ये देखने भी नहीं दे रही। और माशाल्लाह बच्चे देखें सारे इनके नीचे हैं और वंडरफुल रिजल्ट जो है ना अच्छे तरीके से पाल भी रहे हैं। इधर व्यूवर्स 26 के अंडे हैं तो इधर नहीं निकले होंगे, इधर गालबन निकल आए होंगे, केज नंबर एक के अंडे इसके नीचे रखे थे। हाँ भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह दो बच्चे इधर भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये लटीनों का पेयर था, ये लटीनों के बच्चे इधर निकले हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। व्यूवर्स कमेंट में अब आपने बताना कि मैंने जोन से डब्बे खोले थे उनमें से कितने बच्चे हैं और कौन कौन से थे, साथ साथ मैं बताता था रहूँ। तो मैंने इन डब्बों में ना छोटे छोटे बच्चे निकल आए थे, तो अब शुगर मेला ये चेक करें। अब जो है ना इस डब्बे में भी आपने गिनती करके बताना भाईजान कितने बच्चे हैं, ये चेक करें। ये माशाल्लाह एक ही पेयर साहब को पाल रहा है, चेक करें वाओ माशाल्लाह। उसके बाद कुछ बच्चे इधर भी हैं, इनके नीचे तो कुछ मैंने ना ज़ेब्रा फिंचों के भी रखे थे स्नो वाइट के। चलें तो व्यूवर्स माशाल्लाह वंडरफुल रिजल्ट है, हैचिंग आ गई है, अभी बच्चे उधर निकल रहे हैं। दोबारा गोल्डियंस ने एग लेइंग स्टार्ट कर दी है, इसके उठा दिए हैं, इसके 26 को उठाए हैं। इधर बिलू के माशाल्लाह दोबारा एग आ गए हैं, इतनी तेज़ मशीनें हैं, मुझे लगता है 2 महीने के अंदर 60 के 60 पेयर जो है ना, कहने के 60 के 60 डब्बों में अंडे गोल्डियंस के ही होंगे। मैंने गोल्डियंस पे ही फोकस रखा है, इंशाल्लाह ताला आपको भी देंगे, आपका भी शौक लगवाएंगे, तो ताकि आपका भी मज़ीद जो है ना शौक बढ़ सके। तो इसी तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए लाल अभी एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको मज़ा आया होगा देख के, जो प्रोग्रेस आई है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।